अभी हम निकल रहे हैं दस्ती। ये देखो गाड़ी वाला रेडी है और मैं आपको दिखाता हूँ सामान वगैरह भी हम रख लिए सारा और हम निकलने वाले हैं कहीं के लिए। वो आपको रास्ते में बताएंगे। ये देखो सारा सामान वगैरह रख लिया है, आप देख सकते हो जैकेटें वगैरह रख ली हैं, इससे तो आपको पता लग गया कहाँ जा रहे हैं। चलो यार बाबा अगर आते हैं गाड़ी में बैठते हैं निकलते हैं, रास्ते में आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं और सफ़र वगैरह इंजॉय करेंगे। लेट्स गो। अभी यार हम निकल गए हैं, देखो सारे रास्ते में फोग ही फोग है, तो अभी हम मोटर पे भी चलते हैं उनके गाँव से जाकर बात मत करते हैं। यार घर से हम निकल गए थे और अब मोटर पे चढ़ गए हैं और मोटर पे चढ़े थे, मैंने क्लिप वगैरह बनाई थी, तो अब हम लाहौर वाले मोटर पे से इस्लामाबाद वाले मोटर पे आ गए हैं। ये देखो क्या मत हम फिर रुके हैं, बाबा वगैरह वाशरूम वगैरह गए हैं, तो आते हैं फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपना। और फोग बहुत है यहाँ पे, ये देख सकते हो अभी भी सारी फोग ही फोग है, मौसम बहुत वो हुआ हुआ है। टाइम मैं आपको दिखाऊँ कितना टाइम हो रहा है, ये देखो टाइम हो रहा है 12:38, तो ये 1 बजे भी देखो फोग ही फोग है। तो अब आगे सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं, इस्लामाबाद हमने पहुँचना है, इस्लामाबाद जा रहे हैं हम, उससे आगे का भी हमारा प्लान है और वापसी पे हमारा एक और जगह का भी प्लान है, लेकिन अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं तो लेट्स गो चलते हैं। ये देखो सारी हम फोग ही फोग है यहाँ पे, 1 बजे का टाइम है देखो, और ये रश लगा हुआ है यहाँ पर, बारात रात को आई भी है इसलिए यहाँ पर रश है सारा। अभी यार हम यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल शोल डलवाने, ये देख सकते हो कितनी फोग है यहाँ पर, काफ़ी ठंड भी हो रही है, अभी 2 बजे का टाइम है लेकिन काफ़ी यहाँ पे इतना सर्दी हो रही है, तो इस्लामाबाद में भी नहीं लगता है काफ़ी अच्छा मौसम होगा, तो फुलिंग पेट्रोल वगैरह डलवाने निकलते हैं फिर। अभी यार हम इस्लामाबाद वाले मोटर पे आ गए थे और अब हम पहाड़ों में आ गए हैं, ये देख सकते हो पहाड़ यहाँ से शुरू हो गए हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखो। इस्लामाबाद पहुंच गए, देखो ये सामने टोल प्लाजा है। हम पहले जा रहे थे बीएचए लेकिन काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक थी, हम बीएचए पे गए नहीं, अब हमने ये रावती में भी ले लिया रूम ना, तो अब रूम पर जा रहा हूँ, रूम है स्वीट रूम लिया है मेरा, तो बाबा नीचे पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो रूम भी आपको विजिट करवाता हूँ। और सफ़र किए सारा दिन, थक गए, खाना शाना भी खाना, खाना भी नहीं खाया। ये देखो फुल अंधेरा हुआ पड़ा है, ये रूम है, खोलते हैं इसको। ये देखो यार यार ये पूरा रूम है, सारा वुडन बना हुआ है, लकड़ी का पूरा बना हुआ है, और ये डबल बेड है इसके अंदर, एक ये सिंगल है और एक मैट्रेस लगेगा, और ये सिटिंग एरिया है, पंखा लगा हुआ है, एक पंखा ये है, ये देखो सारा लकड़ी का है, और ये वॉशरूम है। तो यार अभी थोड़ी देर आराम वगैरह करते हैं तो खाने के लिए चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखो ये हमारा रूम है, और भाई खाना शाना लेके आए, देखो काबली पुलाव लिए है, और ये देखो इसके साथ फिश लिए है, फिश निकालते हैं मछलियाँ हैं, और ये देखो ये राइस वगैरह, खाना शाना फोड़ते हैं। अब खाना शाना हमने खा लिया है और अब दोबारा जा रहे हैं मैं बाबा नीचे ना, यहाँ पर नीचे फूड टाइप बनी हुई है, तो वहाँ से कुछ चाय शाही पकड़ते हैं, आलू वाले पराठे शराठे, चलो काबली पुलाव और मछली में लेके आया था,
यहाँ से मैं अभी लेके गया था, मैंने ऑर्डर दिए पिज्जा पराठे का, आलू पराठे का, फर्रा पराठे का, ये देखो यहाँ भी खाना बन रहा है, अभी हमारा यहाँ बनेगा। आलू वाला पराठा और ये है पिज्जा पराठा, ये देखो, और ये सादा पराठा और इसके साथ चाय। तो यार होटल वगैरह आ गए थे, खाना खाना भी खा लिया था और अभी रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, सुबह हम निकल रहे हैं एक और जगह के लिए, वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो यहाँ पे यार मैं व्लॉग एंड करूँगा, इसे कर देना, उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग पसंद आएगा। आपके भाई को जुकाम शुरू हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।